बसपा ने उदराज वर्मा को घोषित किया लोकसभा प्रत्याशी। बसपा के अयोध्या, देवीपाटन, वाराणसी, आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की मौजूदगी में बसपा प्रत्याशी उदराज वर्मा के नाम की घोषणा शहर के गभड़िया स्थित गंगा गार्डन मैरिज लॉन में गोष्ठी का आयोजन। 38 लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा। बसपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी उदराज वर्मा को माला पहना कर दी बधाई। जानता हूं, इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी जनता के गठबंधन के बल पर इन दोनों गठबंधनों को हराने काम करेगा और उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में आएगी। आज पार्टी की बंद से आपका ऐलान हुआ है, बाकायदा प्रत्याशी घोषित हुए, लेकिन जो पार्टी का बैनर इसमें से जिले के जो भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं उनका नाम गायब है। आपने शायद देखा नहीं, ये नाम जो है चिन्हित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका नाम लिखा है। हमारे जिले के पदाधिकारी का नाम लिखेंगे बैनर में आएगा ही नहीं, या प्रभारी का नाम लिखेंगे तो आएगा ही नहीं। ये मुख्य कोऑर्डिनेटरों का नाम है, लेकिन आपने देखा कि हमारे मुन्ना एहसान मुन्ना जी ने भाषण किया, हमारे राणा जी क्या नाम भी रिजवान राणा जी ने भाषण किया, चौरसिया जी ने भाषण किया, विश्वकर्मा जी ने किया, मौर्या जी ने किया, ब्राह्मण समाज के हमारे उपाध्यक्ष क्या नाम श्याम नारायण उपाध्यक्ष जी ने किया, क्षत्रिय समाज ने किया। बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी जो है ये हर समाज के लोगों में लीडरान पैदा किया है, और बीएसपी ही इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। चुनौती किससे मानते हैं आप? किसी से कोई चुनौती नहीं है। जिस दिन पहली सूची बहुजन समाज की घोषित हुई थी उस दिन 7 मुस्लिम समाज के जब प्रत्याशी आ गए तो पूरे प्रदेश में चर्चा हो गई। बीएसपी तो भाजपा की भी टीम हो गई, 7 मुस्लिम दे दिया। अरे भाई, 80 लोकसभा है, जिस मुस्लिम समाज की आबादी 20% है तो उसका हिस्सा 15-16 सीट का बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर हमारा नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो किसी को दर्द क्यों होता है? ये तो उन लोगों से पूछो जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कुछ समाज के लोगों को लोकसभा विधानसभा पहुंचने नहीं देना चाहते। आज कुछ भाजपा और दूसरी बात बता रहा हूँ कि आज भी सर समाज के लोग बीएसपी के साथ मजबूती के साथ खड़े। आज कुछ भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा से इसमें शामिल हुए, बसपा में क्या कहना चाहेंगे? हमारे तमाम समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, पिछड़े समाज के लोगों ने भाजपा और सपा छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित है कि इससे बहुजन समाज पार्टी अच्छी बढ़त बनेगी, और जो भी साथी ज्वाइन किए हैं हमेशा उनके मान सम्मान उनके साथ बहुजन समाज। भाजपा का एक नारा है इस बार 400 पार, उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या भाजपा का एक नारा है 400 पार? अब उनका मुँह है वो 400 पार नारा दे रहे हैं। उनका एक अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी शामिल हुए, उन्होंने मंच पर ही कह दिया कि अब की बार मोदी सरकार 4000 पार। कहा था कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तो 4000 पार करें, 400 पार करें, इसको कौन रोक सकता है? लेकिन जनता ने मन बनाया है कि जिस तरीके से आपने तेल का दाम 4 गुना, गैस का दाम 4 गुना, गैस सिलेंडर पहले कितने में था? 400 रुपया, कुछ 400 कुछ, अब कितना? 1200 रुपया। तो जनता कह रही है अगर 4 गुना महंगाई लाए हो तो 4 गुना नीचे चुनाव भी कर देंगे आप।